देखेंगे तो हमें पहचान नहीं होगी, और जब हमें
मन हो गए। ये मिलावा साधारण नहीं है। हम सोच रहे हैं ऐसा मिलावा, ऐसे इमामती प्राणनाथ जी का और प्रमाण क्या हो। वहां से उनके दिल के टुकड़े हैं, उनका दिल है ये दोनों श्री मंगला जी दरबार के, और उनका दिल यहाँ आ गया, हुक्म यहाँ आ गया। सुंदर साजी इनको मत देखना, ये तन नहीं है। जिन देखा मेरा वजूद सुनिहा बीज नाबुद, जिन देखा मेरी रूप सो पहुंचा बीज लाहूत। इनके अंदर से जब ये आप आए थे छत्रसाल जी के प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसे लगा कि जैसे साक्षात मामती प्राणनाथ जी छत्रसाल जी का मिलावा यहाँ पे हो गया हो। कि आप इत्र का छिड़काव आप करने आ गए उन रुमालों पर, क्योंकि हम सब सुंदर साथ इतने सीधे ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी भी तक कि ना सेवा है ना बंदगी है। ये सच है, जो इनको पहचान लेगा वो पा जाएगा। और इनको लाने वाले कौन है, इनके हृदय के अंदर ये उपजी कि दीपक भैया जी को रोशनल पुजारी जी को बुलाया जाए। हमारे प्रधान जी आपका हम कोटि कोटि सब सुंदर साथ धन्यवाद आभार देते हैं। मैं तो ये कहूंगी आज आप इस पद पर हो तो इस पद पर लाने के लिए साक्षात मामती प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार से आपको पद पर लेकर के आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम कोटि कोटि सभी पूरा प्रणामी समाज जयपुर समाज हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधान जी का, कि आप ऐसे जिनके अंदर साक्षात बैठक महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार से चल के हमको जगाने आ गए, तो वो हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। खुशियों की दो लाइनें, आज खुशियों के गीत बज रहे।